मुझे ना उसे माफी मांगनी चाहिए। अब जब गलती मुझसे हुई तो मुझे माफी तो मांगनी ही चाहिए। अब वो मुझे माफ करे ना करे ये उसका फैसला। ईशान, तू उससे माफी मांगेगा? कोई जरूरत नहीं है उसके सामने सर झुकाने की। जरूरत नहीं है कसम, ऐसा करना मेरा फर्ज है। ईशान, मैं कह रही हूं ना, उसके आगे सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। देख समझ, वो सवी और उसकी वो ईशा मैडम मुद्दा बना देंगी कि चीटिंग हमारी घर की लड़की ने की है, हमें जलील करेगी वो। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ तुझे? मुझे यहाँ से जाने दीजिए। बाहर क्या चल रहा है? नहीं लेकिन निशी, अरे क्या जाने तुला, अरे बैठ के बात करते हैं ना। साहब, आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा। निशी क्या हो गया तेरे को? तू मेरी बात भी नहीं सुनेगा? नहीं साहब। निशी काका प्लीज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। काका आप समझाते क्यों नहीं है? मैंने बहुत समझाया लेकिन ये किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे चल अस्मिता। निशी, ये सब क्या हो रहा है? तू बैग्स लेके कहाँ जा रहा है? अक्का साहब, मैंने ये फैसला लिया है कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। और मैं अपना ये फैसला किसी के लिए भी नहीं बदलूंगा। इसलिए प्लीज आप भी मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। शान बिल्कुल सही कह रहा था, मेरी बेटी दुर्वा ने ईशान को बहुत तकलीफ दी है, बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा है ईशु को दुर्वा की वजह से। इसलिए आज मैंने ये फैसला लिया है कि मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। विषय संपला। ईशान, तू भी यही चाहता था ना? ऋषि काका, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं यही चाहता हूं कि दुर्वा इस घर से निकल जाए? इसलिए मैंने उसे इतना कुछ सुनाया और उसके घर छोड़ के चले जाने से क्या होने वाला है? इसके बजाय हमें मिलकर ये सोचना चाहिए कि हम दुर्वा को सुधारे कैसे। अस्मिता, इसे रोकने के बजाय तू भी इसके पीछे पीछे जा रही है घर छोड़कर। आपको क्या लगता है बहनी, मैंने कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। बचपन से लेकर आज तक मैंने दुर्वा और अन्नी को इस सगी बहनों जैसा माना, लेकिन आज आपने मुझे एहसास करा दिया कि मैं इनका कोई नहीं हूं। आपने तो मुझे बराया कर दिया निशिका का। ठीक है, सॉरी, आज के बाद से मैं दुर्वा को कभी नहीं डांटूंगा, उसके पर कभी नहीं हाथ उठाऊंगा, उसकी कामयाबी पर कभी उसे शाबाशी नहीं दूंगा, जिंदगी में कभी मोटिवेट नहीं करूंगा उससे, क्योंकि ये सब काम तो बड़े भाई करते हैं ना, और मैं तो पराया हूं। तो मेरी बहन कोई गलती करे तो उसका कान पकड़ के उसे सही राह दिखाना, इसका मुझे कोई हक नहीं है। इस बात का आपने मुझे एहसास दिला दिया, थैंक यू। ईशान,